हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी इंजीनियर दाऊद। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम एक्सेल से प्राइमावेरा P6 में एक्टिविटीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा, सो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल 19.12 वर्जन को ओपन किया है और यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड लगाऊंगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपने प्रोजेक्ट में लाइक 1000 और 500 और जितनी भी ज़्यादा अगर एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्सेल से P6 में जो है वो उसको इंपोर्ट करना बहुत आसान है और टाइम सेविंग है। ये मैं अभी आपको जो है वो यहाँ पे करके बताने हूँ। यहाँ पे मैं इसे हाइड करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, फाइल पर जाके न्यू पे ऑल इनिशिएटिव, यहाँ से मैं EPC जो है वो सेलेक्ट करूंगा, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, चूंकि मैंने एक्सेल से करना है P6 में, तो इसको यहाँ पे मैं कलर दूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। भी यहाँ पे मैं इंटरप्राइज की टैब में प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपने उसी प्रोजेक्ट को जो है वो ओपन कर लूँगा यहाँ से। इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट प्लीज, यहाँ पे मैं WBS ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जॉइंट्स, CS, ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको जॉइंट्स और इनके आगे इनके अंदर बाद में एक एक और जो है मैं ऐड कर देता हूँ। क्या कहते हैं LS LS वेल्डिंग। सेम इसी तरह आप सिविल इंजीनियरिंग की भी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, तो इट डजंट मैटर मैटर जो इस पे मेथड सेम ही रहेगा। व्यूअर्स, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको लग रहा है कि ये अच्छी है और आपको बेनिफिट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ठोकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ठोक दें यार। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स, प्राइमावेरा के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाए। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ पे आया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फाइल और यहाँ से मैं करता हूँ एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट एक्टिविटीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको क्या करता हूँ, तो यहाँ पे जो है अभी एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसकी लोकेशन जो है इसको इसका देख लें, एक्सपोर्ट एफ लर्निंग एंड वर्किंग फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इसे जो है वो मैं इसे क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ।
यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखता हूँ किधर फाइल आई है एक्सेल की। अभी जो पाथ जो है वो अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा, कहाँ गई ही फाइल मेरी। तो ये जो फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ETP 10 ये मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटीज नेम रख लेता हूँ CS LS फिटर। यहाँ पे मैं से टू कर देता हूँ, यहाँ भी मैं से क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया एक्सेल में और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब करूँगा एक्सपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, इंपोर्ट, पहले मैंने किया एक्सपोर्ट, अब करूँगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्प्रेडशीट, वो तो मुझे पूछ रहा है कहाँ सेलेक्ट फाइल। तो यहाँ पे मैं आया डेस्कटॉप पे, ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ भी मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेरी इंपोर्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे अब सिर्फ जस्ट मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। मैंने जस्ट थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डाल ली हैं इसमें सेम लाइक यहाँ पे। अब इन एक्टिविटीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और यहाँ से जो है वो मैं इस वाले में से क्या करूँगा, कंट्रोल बी कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सेम लाइक यहाँ पे मैं इसमें भी उसे कर दूंगा, फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ठीक है। अभी इसकी हम सीक्वेंस जो है वो ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली उसकी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको
वेल्डिंग कर दूँगा, क्योंकि ये वेल्डिंग है तो मैं कर दूँगा LS01 वेल्डिंग। ये मैंने कंट्रोल ई शॉर्टकट कमांड है, यहाँ से मैंने इसे डाउनफिल कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में मैंने ये 4 to 5 एक्टिविटीज को जो है वो P6 में इंपोर्ट किया है एक्सेल से। पहले मैंने उस फॉर्मेट को एक्सपोर्ट किया प्राइमावेरा P6 से एक्सेल में, और अब मैंने एक्सेल से प्राइमावेरा P6 में उसको इंपोर्ट कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और प्राइमावेरा P6 के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग और बहुत सारे वीडियो सेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SM Institute। बाय बाय।